आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ के गांव दरिया में एक फौजी के साथ मारपीट और होटल से जबरदस्ती निकालने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक यह मारपीट पूर्व सरपंच हैप्पी के रिश्तेदार ने की है। आज चंडीगढ़ में पीड़ित फौजी ने प्रेस वार्ता को यह खुलासा किया है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने भारत सरकार से प्राप्त वीर चक्र रिटायर्ड कर्नल कुलदीप सिंह गिल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा 2021 में चंडीगढ़ के गांव दरिया में उन्होंने पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी के होटल प्रीत को 5 साल की लीज पर लिया था। उस समय कोरोना काल की वजह से काम नहीं था, पर फौजी ने हार ना मानी और होटल चलाते रहे, जिसके बाद 2022 में होटल चलता देख होटल मालिक गुरप्रीत सिंह हैप्पी की नियत में खोट आना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्होंने फौजी कुलदीप और उसके पार्टनर राजीव अरोड़ा को बाहर निकालने के लिए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। हैप्पी ने होटल पर अपने भांजे और अन्य को काम पर रखवा दिया। कर्नल को उनकी हरकतें ठीक नहीं लगी, जिसके कुछ महीने बाद उन्होंने उन दोनों को काम से निकाल दिया, जिस बात का पूर्व सरपंच को बहुत बुरा लगा। यह है अर्थ प्रकाश की खास रिपोर्ट। फौजी कर्नल रिटायर्ड वीर चक्र होल्डर हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद 2021 में होटल प्रीत किराए पे ले लिया गुरप्रीत सिंह हैप्पी से, जो वहाँ के 3 बार सरपंच रहे हैं, यानी कि 15 साल। उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा प्रभाव है। ये ले लिया, फिर कोरोना आ गया, कुछ महीनों के लिए बंद किया, उसके बाद फिर चालू कर दिया और होटल बहुत अच्छा काम कर रहा था। इनके दो बंदे जो खास इनके रिलेशन थे वो मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी में लगाए थे, लेकिन उनका काम ना ठीक होने की वजह से मैंने उनको निकाल दिया। ये बड़े नाराज़ हो गए मेरे से, बोला नहीं इनको वापस रखो, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा साहब नहीं, इनका काम ठीक नहीं, मैं वापस नहीं रखूँगा। तो उसके कुछ ही दिन बाद, यानी कि 3 अगस्त को रात को, ये सुखदेव सिंह सुक्खा बिल्ला जो एजेंट है, और हरबंस सिंह जो कि पुलिस से निकाला हुआ एक कांस्टेबल है, ये तीनों आए मेरे घर पे। और घर पे बुलाया था या उन्होंने आपको? लोग आ जाते मेरे घर पे शाम को, मैं फौजी बंदा हूँ, शाम को लोग आ जाते। तो हमारी आज सोशलाइजेशन जो है एक क्वालिटी है आर्मी ऑफिसर की। लोग जो सिविल में है वो अपने अपने घर में अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हम अपने वेटर को बोलते हैं कि बाहर रहो, कोई आता है तो अंदर लेके आओ इज्जत से। अच्छा, उसके बाद वो आए, उन्होंने मैंने उनको ड्रिंक ऑफर की, उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ डाल दिया, उससे मैं ड्राउजी हो गया, यानी कि सेंसेस मेरे लूज हो गए। तो उसके बाद वो पूछने लगे कि चेक कहाँ हैं, जो सरपंच साहब के चेक पड़े हैं तेरे पास। मैं ड्राउजी था, मैं कुछ बता नहीं पाया उनको। उन्होंने मेरी गोरखा रेजिमेंट की जो फुकरी एक पड़ी थी, डेकोरेटिव पीस है ये, वो हथियार नहीं है, डेकोरेटिव पीस सिल्वर के, चांदी का कवर, अंदर खुकरी, उससे मेरा राइट हैंड की 3 उंगलियां काटनी चालू कर दी। मैं ड्रग्ड था, मेरे को ज़्यादा पता नहीं लगा। उसके बाद उसने चक्कू भी, एक छोटा सा चक्कू था वो भी लगाया उसने। इसके बाद मैं बेहोश हो गया, उन्होंने मेरे बिस्तर पे डाला और चले गए। सवेरे हरबंस आया, उसने डॉक्टर को साथ ले गया, जिसने मेरे को पूरी तरह से देखा। मैं जख्मी था, मेरा बिस्तर चद्दर लगी हुई थी लाल रंग से, और उसने देख के बताया कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ। अब मैं छड़ा बंदा हूँ, ना मेरा वाइफ है ना मेरे बच्चे हैं, तो हॉस्पिटल में मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं कहा यहाँ रहूँगा तो मेरे दोस्त यार आके देखभाल कर लेंगे। तो 20 दिन के करीब तक वो पट्टियाँ करती रही, चलती रही, जख्म तो भर गए परंतु उंगलियाँ सुकड़ गई। तो मेरे ECHS ने रेफर किया फोर्टिस हॉस्पिटल में, मेरी वहाँ ट्रीटमेंट चल रही है, शायद प्लास्टिक सर्जरी होने वाली है। ये हो गया। तो इसके बाद ये सारा कुछ लिख के मैंने SSP को रिपोर्ट कर दी। वहाँ से रिपोर्ट वापस आई तो ये फिर नाराज़ हो गए मेरे से। इन्होंने मेरे पार्टनर के थ्रू बोल दिया, मैसेज के थ्रू उनको मैसेज दिया कि कल 19 सितंबर को कर्नल साहब को बोल दो मेरे होटल में नहीं आएंगे। उस दिन के बाद मैं वहाँ गए नहीं, क्यों? मैं डिसिप्लिन के दायरे के अंदर रहने वाला बंदा हूँ, कानून में रहता हूँ। उसने बोल दिया तो मेरे लिए अथॉरिटी है, वो मैं दिखा सकता हूँ कभी भी किसी को जो देखना चाहे, तो मैं नहीं जाता हूँ। उन्होंने मसलमैन बाहर खड़े कर रखे हैं, हम अंदर जा नहीं सकते। मेरा कीमती सामान अंदर पड़ा हुआ है, हमारा सॉफ्टवेयर का ये हमारे बहुत सारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वहाँ पे, फ्रिज पड़े हुए हैं, सोफा सेट्स पड़े हुए हैं,
वो हम नहीं ले सकते, इसलिए मैंने एसएसपी साहब को इस एप्लीकेशन में लिखा कि हमारी प्रॉपर्टी वापस की जाए और हमारे को 10 लाख में से जो 5 लाख उसने दिया है, बाकी जो उसने रख लिया वो भी वापस किया जाए, क्योंकि इट इज़ रिफंडेबल, इट इज़ रिफंडेबल। तो इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा और मेरे पार्टनर राजीव अरोड़े का जो वो पैसा है बनता है, जायज़ बनता है, जो किताब में जो मेरी एप्लीकेशन है वो समझा रही है, उसके मुताबिक हमें पैसे वापस दिलाए जाए और हमें होटल के अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि हमने सितंबर का पूरा किराया दिया है, वो किराया भी हमें वापस कराया जाए, हमारी इनकम जीरो हो गई है। की वाइट वॉशिंग या जो बचेगा उसके बाद देंगे सर। 5 लाख रुपए के मैंने उनको चेक दिए हैं, जिसमें 4.5 लाख रुपए की स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई है। हाँ जी, हाँ जी। 4.5 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है, 50 का चेक को लगा लें। 5 लाख कर्नल साहब खुद लिख के देके गए, इसमें 1 लाख रुपए उनकी सैलरी रह जाती वर्करों की, 1 लाख के आसपास बिल है। रहा जो 3 लाख रुपए, मैं उसका आपको होटल का दिखा देता हूँ, तीनों मंजिल का हाल देख लो। होटल छोड़ने का और भागने का उनका रीजन ये है कि होटल की मरम्मत नहीं करते थे, यही रूम में ले लो कि ये सामने रिपेयर हुई है, और इधर देखो ये सारी सलाब आ रही, इसी रूम की बात करता हूँ। जो उनके पैसे बनेंगे बिल्कुल देंगे, और जो मेरे वाले लेने वाले होंगे जो होटल का जो खर्चा वो उनको देना पड़ेगा सर, इसमें कोई वो नहीं है। मगर मेरे से तो ये कह के गए थे कर्नल साहब कि आप होटल बिल्कुल तैयार करवा दो और न्यू एग्रीमेंट करूंगा जो इस पेपर में लिखा हुआ है। कोई सर आपने प्लॉट प्लॉट भी दिलवाया था उसकी भी वो उसका अलग इश्यू है, वो उनकी जगह पड़ी, जब मर्जी अपनी टॉर्नी करा ले। तो अब अगर वो दोबारा से आते हैं आपसे दोबारा नए से होटल का एग्रीमेंट करते हैं, तो आप करेंगे उनके साथ जे मेरे शर्तों के साथ जो पहले उनका एग्रीमेंट है उसमें सर लिखा हुआ है कि होटल के बिल्कुल मरम्मत ठीक रखेंगे। दूसरी बात एक और, उन्होंने ये कहते थे हमें घाटा पड़ रहा है, और जो मैंने आपको पेपर दिखाया है 8-10 लाख रुपए हर महीने की सेल है, उसमें से अगर 50,000 या 40,000 रुपए होटल मरम्मत पे लगाते हैं तो होटल की ये दिशा नहीं होती। रही बात नहीं, अब तो जब थोड़ा सा जब फर्क पड़ चुका होता तो कहाँ मुश्किल है अब तो, मगर मैं देने को कर्नल साहब को होटल तैयार था, मगर ये किन की बातों में आके ये ऐसा कर रहे हैं। और जो रोक लगवा रहे हैं उनको पता है आज तक सरपंच मैं जिम्मेदार बंदा हूँ, मैं ना आज तक किसी से गलत किया है ना किसी से सर गलत होने दूंगा, और जो मेरी कहीं बात आती है मैं उनसे साहब बात करने को तैयार हूँ। मगर जिन जो लोग उनको कर्नल साहब के पीछे लगे हुए वो भी मेरे को जानकारी है, कर्नल साहब बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे साथ होटल 20 तारीख को दिया, मेरे पास रेगुलर आते रहे, कल या परसों का पता नहीं उनको क्या हो गया, जब मैंने उनको बोला कि होटल तैयार हो जाएगा पूरा, आपकी जो पैसे बचेंगे वापस करेंगे, उन्होंने कहा सरपंच साहब अगर और 50,000 रुपये मेरा 2.5 से ऊपर देना पड़ा तो मैं दूंगा, ओके कर दो। कल या परसों मतलब कि ये 29 या 30 सितंबर बिल्कुल 26 तारीख को यहाँ थे, कैमरे भी चेक करवा देता हूँ, 26 तारीख को भी यहाँ बैठ के 28 को भी शिकायत दी है एसएसपी साहब को उन्होंने दी होगी, मैं तो कह रहा हूँ ना किसी के लोगों के बहकावे में आ गए। ठीक, क्या शिकायत कह रही है? वो तो वो बता रहे हैं कि मेरे पैसे रिफंड किए जाए सिक्योरिटी, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ सिक्योरिटी वापस करने को, मगर जो होटल का काम है वो तो वही करवा के देंगे ना। ठीक, ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।